चैनल, मेरा नाम है मनुष्का जैन और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए और एक कौन सा रोल मैप फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। पहले डेटा साइंस होता क्या है, तो डेटा साइंस की अगर मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन दूँ तो डेटा को यूज़ करके हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना ही होता है। ये एक ऐसी फील्ड होती है स्टडी की जिसमें हम डेटा को यूज़ करते हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, रॉ डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, एनालिस करते हैं, ताकि हम कुछ उस इन्फॉर्मेशन से लेकर उस डेटा से हम कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें उससे। नाउ रोडमैप टू लर्न डेटा साइंस, डेटा साइंस सीखने के लिए आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए, तो उसमें होता है सबसे पहले मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जैसे लीनियर अलजेब्रा, एनालिटिक ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, फिर आते हैं रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, मैट्राइसिस, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, हमें जो बाइनोमियल एंड बर्नौलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसके पास सीखना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपको काफ़ी डीप में सीखना होगा। इसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, ऑफकोर्स रैंडम सैम्पल्स, देन रिग्रेशन, कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैं सबकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, गो चेक इट आउट। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं जैसे पाइथन, आर, स्केला, C++, इवन जावा, बट हम अधिकतर पाइथन एंड आर का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं जो कि डेटा साइंस में बहुत यूज़ होती है। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन बेसिक्स नॉलेज आपको आना चाहिए, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज क्या होता है, इसमें कुछ लाइब्रेरीज जैसे पांडास, नंपाय, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर हम आर की बात करें तो आर के बेसिक्स में वेक्टर, एरे, मैट्रिक्स, फंक्शन जैसे चीज़ें आपको आनी चाहिए, फिर इसमें जीजी प्लॉट का भी यूज़ होता है, तो इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए डेटा साइंस के लिए। नेक्स्ट स्टेप है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एक बहुत ही वाइटल पार्ट है डेटा साइंस का और इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। वैसे इसमें हर दिन नई एडवांसमेंट आती रहती है क्योंकि अभी भी इस पर काफ़ी सारी रिसर्चेस चल रही हैं, बट इसमें आपको बेसिक्स कम से कम जैसे कि सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अंडरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग क्या होता है, एक मॉडल हम किस तरीके से बना सकते हैं, एक मॉडल वर्क किस तरीके से करता है, अगर हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, तो इसमें हम ये सब सीखते हैं। इस स्टेप में आपको डीप लर्निंग सीखनी है। डीप लर्निंग यूजेस टेंसर फ्लो एंड केरस टू बिल्ड एंड ट्रेन न्यूरल नेटवर्क्स। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, केरस क्या होता है, टेंसर फ्लो क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सीखना है। इसमें और कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे पाइटॉर्च, बाइनरी क्लासिफिकेशन, ETC, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें सीखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप इज फीचर इंजीनियरिंग। इन फीचर इंजीनियरिंग वी फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव अवर मॉडल। हम हमारा मॉडल बन तो गए तो हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें बेसलाइन मॉडल, कैटेगोरिकल इनकोडिंग, फीचर जनरेशन जैसी चीज़ें आपको सीखनी है। नेक्स्ट स्टेप है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन दिस वी लर्न हाउ टू वर्क विद टेक्स्ट डेटा। इसमें कुछ वर्ड वैक्टर्स एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसी चीज़ें हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डेटा विजुअलाइजेशन टूल। अब आपने डेटा को एनालाइज कर लिया है, उसका मॉडल भी बना लिया, लेकिन आप उसको किस तरीके कितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ टूल सीखना है जैसे टैबलो हो गया, पावर BI और भी काफ़ी सारे होते हैं, तो इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट। अगर आप फ्रेशर्स हैं या आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है या आप 10 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लॉयमेंट इज नेसेसरी बिकॉज इट गिव्स यू द फैक्ट दैट यस यू हैव वर्क्ड अ लॉट। नेक्स्ट इज कुछ अदर पॉइंट्स है लर्न करने के लिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं या अपनी प्रोफाइल को एनहांस कर सकते हैं, लाइक आप केस स्टडीज कर सकते हैं डेटा साइंस एट नेटफ्लिक्स, डेटा साइंस एट फ्लिपकार्ट, या कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं जैसे मूवी रिकमेंडेशन हो गया या फिर फ्रॉड क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन, तो ऐसे आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे, तो इससे आपकी प्रोफाइल एनहांस होगी। नेक्स्ट इज की प्रैक्टिसिंग। ऑफकोर्स वी नो दैट अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप डेटा साइंस को समझ पाएंगे और एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।